देखिए कलेक्टर साहब, और रणधीर सिंह जी कहलवाए हैं कि ये तो बस पेशगी मात्र है, अगर कहें तो अगले महीने और भिजवा दें। क्या नाम बताया आपने? जी रणधीर सिंह जी। नहीं अपना? जी हमारा नाम फूलचंद जी। फूलचंद जी? जी फूलचंद जी, कल आपके रणधीर सिंह जी क्या कर रहे हैं? फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। कहिए तो कल डिनर रखवा देते हैं उनके फार्म हाउस पर, भाभी जी को लेते आइएगा। बस डिनर? अरे आपको से कहा शर्माना, अभी हुकुम कीजिए, जो चाहिए दे देंगे। अच्छा जो कहिए। हाँ जी, लेकिन कल भी मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कहे? क्योंकि कल जहाँ आपके रणधीर सिंह जी अपना डिनर करेंगे ना, वहाँ भाभी जी तो दूर, मेरा आना भी जरा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कल आपके रणधीर सिंह जी अपना डिनर करेंगे जेल के लॉकअप में। अब आप यहाँ से खुद जाएंगे या मैं आपको बाहर तक छोड़ने चलूँ? देखिए बाबू साहब, हाँ अपने रणधीर सिंह जी से कहिएगा, उनकी इस हरकत के लिए मैंने अगर उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं पहनवा दी तो मैं भी गजरौला का डिप्टी कलेक्टर नहीं। अच्छा जय बात, तो एठो बात आप भी हमारा सुन लीजिए, अगर रणधीर सिंह जी भी आपको आपका असली औकात न दिखा दिए ना, तो वो भी गजरौला में अब तक के सबसे बड़े लकड़ी के ठेकेदार हैं। धमकी दे रहे हो? आपको और आपके रणधीर सिंह जी को धमकी? बहुत बहुत। खड़े हो, भारी पड़ेगी, निकलो यहां। देख रहे, बता दे हम तुमको। कन्या वो चाय रहने देना, हमारे मेहमान थोड़ा जल्दी में थे। सुकन्या, कन्या। अरे माँ, आपने सुकन्या को देखा है क्या कहीं? अरे गई होगी कहीं, आज तक मुझे कभी बताया उसने? बहुत सर पे चढ़ा के रखा है तूने उसे, देखना एक दिन बहुत पछताएगा तू। आप आराम करो, वो यहीं कहीं चली गई होगी। क्या बताएं रणधीर सिंह जी, सरासर अपमान हुआ है हमारा। नोटों से भरा हुआ बैग मुंह पर देकर मारा है हमारे, और धक्का देकर निकाला है घर से बाहर। दो कौड़ी का सरकारी नौकर, हम कह रहे हैं आपको वो जंगल का टेंडर भूल जाइए आप, नया मिलने वाला आपको इस साल। और हेलो हेलो, काट दिए, कुछ कसूर ना है, फिर भी हमें पीछे बस। खराब है आज वो कलेक्टर, ये पत्थर क्या क्या और दिखाओगे भगवान। अरे कौन है? अरे क्या खुफिया पंती कर रहे हो? अरे कौन है कोई बताएगा? अरे सामने आओ ना, कौन है? अरे कौन है?
अमरीश गोयल, डिप्यूटी कलेक्टर गजरौला। कहिए यहाँ कैसे आ जाओ? आज बस दो महीने पहले मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी। जब से मैं वहाँ गया हूँ तब से वहाँ के भ्रष्टाचार से ठीक तरह से लड़ भी नहीं पा रहा था कि मेरी बीवी सुकन्या ये गजरौला के सबसे बड़े ठेकेदार रणधीर सिंह के आदमी फूलचंद की हत्या का आरोप लग गया उस पर। यहाँ से तो जान पड़ता है कि आपकी पत्नी एक गृहिणी है। हत्या का आरोप, हत्या कैसे की गई है? हथियार क्या था? मिस्टर केडी, ना ही कोई हथियार था और ना ही कोई औजार। हत्या की बजाय नाखूनों के बार बता रहे हैं। नाखून? अरे नाखून से कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है? पुलिस का मानना यह है कि सुगन्या के नाखूनों में जहर था और जब वो फूलचंद के खून में मिले तो फूलचंद की मृत्यु हो गई, ऐसा पुलिस बता रही है। नाखूनों में जहर कैसे हो सकता है? आम नाखूनों में जहर नहीं होता, पर क्या शांत क्यों हो गया? बोलिए मिस्टर केडी, कभी आपने विष कन्याओं के बारे में सुना है या कहीं पढ़ा है? कन्याओं के बारे में एक बहुत पुरातन कहानी है। कहा जाता है कि मौर्य राज्य में कन्याओं को बाल अवस्था से ही विष पिलाकर बड़ा किया जाता था ताकि वो छू कर ही शत्रु की हत्या कर सके। यू मीन फीमेल असैसिन? हाँ, ऐसा कह सकता है तू। राजा लोग अपने दरबार में उन्हें रखते हैं और वो महिलाएं अपनी सुंदरता से शत्रु को मंत्रमुग्ध करके उनकी हत्या करती। पर सर, ये मुद्दा आज के जमाने में फिर से क्यों उठा? एक IAS ऑफिसर की पत्नी को विषकन्या कहना कबारपन ही नहीं बेवकूफी है। सुकन्या नाम तो बहुत साधारण सा है। इस साधारण नाम और कहानी के पीछे वास्तविकता क्या है ये तो गजरौला पहुंच कर ही पता चले। केडी पाठक है, आपका वकील हूं मैं। केडी साहब, आप मुझे यहां से बचा तो लेंगे ना? ये सब लोग मुझ पर बहुत अजीब सा इल्जाम लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं एक विषकन्या हूं। विषकन्या? इसकी चिंता आप मत करिए, अदालत इन बातों में नहीं मानता, विशेष रूप से जब इन बातों का कोई आधार ना हो, कोई सबूत ना हो। ये बताइए कि हत्या की रात आप कहाँ गई थी? आपके पति का कहना है आप घर पर नहीं थी। जी, वो हमारे घर के पीछे जो जंगल का रास्ता है मैं वहीं गई थी तुलसी के पत्ते लाने के लिए। तुलसी के पत्ते इतनी रात गए? हाँ, वो पूजा बहुत सुबह सुबह होती है ना, तो उसी के लिए मुझे पत्ते चाहिए थे। काफी समय लग गया आपको पत्ते इकट्ठा करने में, आधे घंटे से ज्यादा? हम इस इलाके में नए हैं ना, इसलिए मैं जंगल से रास्ता भटक कर कहीं और ही निकल गई और फिर वापसी का रास्ता पूछते मुझे देर हो गई। कहीं आपको तो मुझ पर शक नहीं है ना? मैं सिर्फ सत्य जानने आया था आपसे, बाकी देखते हैं अदालत में क्या होता है। दो महीने की शादी और फिर ये बर्बादी, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। विषकन्या। विषकन्या। Thank you.
चौबेगा साहब, यही वो जगह है जहाँ फूलचंद की लाश मिली। अभी कुछ सुना तुमने? खनकने की आवाज। सुपर क्लू। प्रिया थिएटर? यहाँ प्रिया थिएटर है क्या? जिस दिन फूलचंद की मौत हुई उसी शाम का टिकट है, कोई ये फिल्म देखकर यहाँ से गुजरा था। प्रिया थिएटर पास में ही है क्या? हवलदार साहब बोलते बहुत हैं। गजरौला में पाठक सर और आपका स्वागत है वरुण। मैं रणधीर सिंह, यहाँ का छोटा मोटा ठेकेदार हूँ। ओ, तो फूलचंद जिनकी मौत हुई? जी हाँ, दुर्भाग्य से वो मेरा ही मैनेजर था, बेमौत मारा गया बेचारा उस विश्वकन्या के चक्कर में। ये विश्वकन्या वाली बात समझ में नहीं आई। कल जब अदालत में प्रोसिक्यूशन की दलीलें होंगी तब समझ लीजिएगा। फिलहाल तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो लड़की तो केवल हथियार है, असली हत्यारा तो उसका पति है जिसने मेरे आदमी के पीछे भेजा था अपनी पत्नी को उसे मारने के लिए, आपका वो डिप्टी कलेक्टर अमरीश गोयल। देखने में बहुत सीधा साधा है वो, पर असल में वो टेढ़ा आदमी है। मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप उससे बच के रहिएगा। अभी चलता हूँ। और हाँ, जाते जाते एक मशवरा और देना चाहूँगा, वापस लौट जाइए मुंबई, वरना उस पति पत्नी के लपेटे में आ जाएंगे आप लोग भी। जिस दिन तू सुकन्या को ब्याह कर इस घर में लाया था, मैं उसी दिन समझ गई थी कि इस लड़की के कदम बहुत मनहूस हैं। अरे कितना कहा था कि उर्वशी से शादी कर ले, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। ये जानते हुए भी कि उसका अतीत कितना बुरा है, फिर भी तू बहू बनाकर ले आया। माँ, आप समझती क्यों नहीं हो, सुकन्या अपने अतीत को पूरी तरह भुला चुकी थी, वो पूरी तरह बदल चुकी थी। अरे वो अतीत को भुला चुकी होती तो ये सब क्या है? लोग उसे विश्वकन्या क्यों कहते हैं? विश्वकन्या का मतलब समझता है क्या है? जीती जागती जहर की दुकान। माँ 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 माँ, अब उसे ताने वाना देना बंद करो। मैं जानता हूँ कि सुकन्या पूरी तरह निर्दोष है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके। माँ, अब ये वैधई, मेरा मतलब ये सुकन्या के बारे में इस तरह की बातें बातें करना बंद करो। मैं जानती हूँ कि सुकन्या ने तुझ पर जादू किया हुआ है, तभी तू किसी की नहीं सुनता। देखना, एक दिन जरूर पछताएगा। मारो। क्यों? ये क्या कर रही हो? ये खांसी की दवा पी रही हूँ। माँ, ये खांसी की दवा नहीं है, ये जहर है। माँ, जहर यहाँ कैसे आया? सुकन्या, प्रकाश तुम? सुकन्या, ये सब क्या हो गया? तुमने ये सब? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है?
मिस्टर केवी पाठक। मैं सिर्फ चरण शुक्ला। नमस्कार शुक्ला जी, आपको तो बहुत बुरी खांसी, कुछ लेते क्यों नहीं? ये तो मामूली है, लेकिन ये केस मामूली नहीं है। अरे दूर रहो उससे, गलती से छू लिया ना तो यहीं खड़े खड़े मर जाओगी। सुना नहीं पुलिस कन्या है ये? माय लॉर्ड, मैं सॉरी सॉरी, कमबख्त खांसी। माय लॉर्ड, हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। 3 दिसंबर की रात 10:30 बजे कृपालाल फूलचंद जी अपनी गाड़ी में गजराला गांव के जंगलों से गुजर रहे हैं कि अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक पत्थर आ गया। और वो जैसे ही उस पत्थर को हटाने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो ये औरत सुकन्या गोयल उन पर टूट पड़ी और उनके हाथ पर अपने नाखूनों से खरोंच मार दी। ये देख, उसके 10 सेकंड बाद ही मिस्टर फूलचंद गिरकर ढेर हो गए और मौत का कारण उनके शरीर में भारी मात्रा में जहर का पाया जाता। और जहर भी कौन सा? डेंड्रोटॉक्सिन, जो अक्सर बिच्छू और सांप में पाया जाता है। ये और ये जहर मिस्टर फूलचंद के शरीर में प्रवेश हुआ इन्हीं खरोंचों की वजह से। वो देखिए जहां वो नीले नीले निशान हैं, इससे ये जाहिर होता है कि इनके नाखूनों में जहर था। और ये बात साबित करती है ये डीएनए रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि मिस्टर फूलचंद के हाथों में जो खरोंच थी वो इन्हीं के नाखूनों की दी हुई है। इनके नाखूनों में जहर था 100%। होगा जहर इसके नाखून में, ये विष का निया है, इसे नहीं मारा होगा। ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाइए। योर ऑनर, नाखून से खरोंच, खरोंच में विष और विष के कारण मृत्यु, ये बात मुझे जरा बेतुकी लगी। इस बात की स्पष्टीकरण करने के लिए, इसे स्वयं परखने के लिए मैं अदालत की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। धन्यवाद योर। सुकन्या जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हाथ पर खरोंच दें। मिस्टर पाठक, क्या कर रहे हो ये? मिस्टर पाठक, आप समझ रहे हैं ना आप क्या करने वाले? पूरी तरह से समझ रहा हूँ शुक्ला जी, प्रतिपक्ष हूँ, इतना तो विश्वास मुझे अपने मुवक्किल पर होगा ही। योर ऑनर, आप चिंता न करें। चिंता मत करिए, ये करना आवश्यक है, खरोंच दीजिए। हुए समय पर ध्यान देंगे शुक्ला जी। 5 सेकंड, 10 सेकंड, अपने आप पर कोई विष का, वो क्या कहा था आपने, डेंड्रोटॉक्सिन ऐसी कोई पदार्थ का असर होता हुआ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बस हल्की सी जलन है हाथों में और कुछ नहीं। वो इसलिए क्योंकि इसने अपने नाखून अभी जहर में डुबोए नहीं है। कब डुबोए थे? 100% देखा था आपने? ये विष कन्या है, इच्छा के अनुसार अपना जहर उगलती है, क्योंकि अदालत ने अपना असली रूप नहीं दिखा रही है। ऑर्डर ऑर्डर, अगर कोई और अदालत में बीच में बोला तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। योर ऑनर, मैं इस विषैले विषय की ओर नहीं जाना चाह रहा था, परंतु यहाँ अदालत में हर कोई विष कन्या कहकर इन्हें बुला रहा है,
मैं अनुरोध करता हूँ अदालत से कि आप यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को सावधान करें कि ऐसे अंधविश्वास में मानना न केवल हानिकारक है बल्कि संविधान के विरुद्ध भी। पाठक जी, असल में क्या है कि अंधविश्वास में भी विश्वास जुड़ा होता है, और इन लोगों का इस औरत को विषकन्या मानने में विश्वास करना इसके अतीत से जुड़ा है। अतीत से आपका अर्थ? एक लंबी कहानी है, और इसे वही सुना सकता है जिसने इसे करीब से देखा हो। इसीलिए मैं इनके मामा जी को बुलाना चाहता हूँ, श्री बटुकनाथ जी। सुकन्या 6 साल की रही होगी जब इसके माता पिता एक दुर्घटना के शिकार हो गए। तब से मैंने ही इसे पाल पोस के बड़ा किया है, यहाँ से 20 कोस दूर चिरोला गांव में। चिरोला जो सांप और बिच्छू के लिए मशहूर है? हाँ हाँ साहब, घना जंगल है वहाँ, आए दिन सांप और बिच्छू के काटने के किस्से। फिर हम सभी गांव वालों ने सांप और बिच्छू के जहर से एक घूंटी बनाई जो अपने बच्चों को दिया करते थे, ताकि उनपे किसी भी सांप और बिच्छू का काटने का कोई असर ना हो। हमने बचपन से ही सुकन्या को घूंटी पिलाई, और फिर साहब वही जहर जो दवा के रूप में सुकन्या को दिया जा रहा था, धीरे धीरे उसका शरीर उस जहर का आदि बन गया। और जैसे ही वो बड़ी हुई, उस जहर का असर खत्म होता चला गया। मुझे याद है एक दिन जब वो कॉलेज से लौट रही थी तो सांप। सुकन्या जल्दी से डॉक्टर के पास। नहीं रहने दे, ठीक हो जाएगा। पर सांप ने काटा है। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, इस जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होता, ठीक हो जाएगा। फिर सांप 2 दिन में उसका घाव भर गया, फिर आज तक सुकन्या को कोई भी जहर का असर कभी नहीं हुआ। माय लॉर्ड, इस बात को साबित करने के लिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि एक बिच्छू मंगवाया जाए जो इन्हें डंक मारेगा। जी, मुझे लगता है कि आप पर भी किसी प्रकार के विष का प्रभाव पड़ रहा है। विचित्र बातें क्यों कर रहे हैं? तो पाठक जी, फिर इस बात को कैसे साबित करेंगे कि इन पर विष का कोई असर नहीं होता? नहीं, लेकिन इसे साबित करने की आवश्यकता क्या है? शुक्ला जी, योर ऑनर, सुकन्या जी की ये अवस्था कोई नई बात नहीं है। विज्ञान में इसे मित्रिदतिज्म कहते हैं, जहाँ व्यक्ति नियमित रूप से, नियमित समय पर, नियमित मात्रा में विष का स्वयं सेवन करता है ताकि बाहरी विष का उसके शरीर पर प्रभाव न पड़े। जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में शुक्ला जी, अक्सर वहाँ के कर्मचारी इस विधि का प्रयोग करते हैं। मिस्टर शुक्ला, आप हमें उस बिच्छू को दोनों को बख्श दें, मैं ये सब कुछ अदालत में नहीं होने दूंगा। बटुकनाथ जी, आप मुझे कृपया बताइए कि सुकन्या जी की के अतीत की इस अवस्था का फूलचंद जी के हत्या से, उनकी मृत्यु से संबंध क्या है? आप समझ नहीं रहे हो साहब, कि सालों साल इसके शरीर में जहर जाने से इसकी सोच भी जहरीली हो गई, और फिर ये गलत लोगों के संगत में रहने लगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सुकन्या? अरे तू दलवी भाई के साथ काम करती है, पता है तुझे कितना बड़ा गुंडा है वो? ओहो मामा जी, आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। मैं उनके यहाँ सब हिसाब किताब ही तो देखती हूँ, और इसके लिए मुझे पैसे भी तो अच्छे मिल जाते हैं, और फिर उनके वहाँ काम करने से मुझे कोई परेशान भी नहीं करता। पागल हो गई है तू, तुझे पता है कि वो पैसे के लिए दूसरे की जान भी लेता है, और तू उसके साथ काम करेगी? मामा जी आप भी ना। 2 सालों तक सुकन्या दलवी के गिरोह के संगत में रही और उसके इशारे पे चलने लगी। दलवी के पकड़े जाने पर जो सुकन्या पर केस चला, उस पर कुछ साबित नहीं हो सका। और उन 2 सालों तक दलवी भाई ने कई लोगों को मरवाया। दिलचस्प, अति दिलचस्प। पाठक जी, आज से 1000 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में उनके दरबार में इसी तरह की विषकन्या पाली जाती थी, ताकि राजा के एक इशारे पर वो अपने विष से उनके दुश्मनों को बड़ी चालाकी से मार सके। और अब 2012 में गजरौला के दलवी भाई, उनका दरबार, ये लड़की उनके यहाँ उसी तरह से पल रही थी। वो राजा है, उनके एक इशारे पर किसी को मार सकती है। युग नया है पर तरीका वही पुराना, दुश्मन की मौत। ये क्या कह रहे हैं आप?
सुकन्या ऐसी नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर, मैं सख्त हिदायत देता हूँ कि आप। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। जज साहब, मैं और सुकन्या बचपन के दोस्त हैं। हम साथ पढ़े, साथ बड़े हुए, और मामा जी ने सुकन्या के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब एकदम सच है। सुकन्या पर विष का प्रभाव नहीं होता है, और ये किसी गलत संगत में पड़ गई थी। लेकिन फिर जज साहब, इसकी जिंदगी में अमरीश आया, और अमरीश के प्यार ने सुकन्या की जिंदगी बदल दी। जी जज साहब, प्रकाश बिल्कुल सही कह रहा है। अमरीश से मिलने के बाद मैंने बुराई का रास्ता छोड़ दिया था और खुद को पूरी तरह बदल लिया, और फिर उसके बाद मैंने इनसे शादी कर ली। आप पूछ सकते हैं मेरे पति से, क्या शादी के बाद मैंने इन्हें शिकायत का कभी भी कोई भी मौका दिया हो? जज साहब, मैं अपनी बीवी सुकन्या का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मेरी बीवी सुकन्या पर पूरा भरोसा है। वो किसी का खून वो नहीं कर सकती। ये लव स्टोरी नहीं है, ये मर्डर स्टोरी है। तो वैसे इस मर्डर का कारण शायद लव ही है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने एक ऐसे आदमी को मारा है जिसने तुम्हें धमकी दी थी, और इनके नाखूनों के निशान उसके शरीर पर। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, आपके नाखून इस समय कहाँ है? मेरे हाथों में। आपके हाथों में तो सुकन्या जी के नाखून भी उन्हीं के हाथों में होंगे। हाँ। जहाँ रहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुकन्या जी कहीं हो और उनके नाखून कहीं और। मतलब? नहीं, मतलब ये कि जब फूलचंद जी की मृत्यु हुई उस समय सुकन्या जी वहाँ थी ही नहीं। शुक्ला जी, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर गजरौला बाग रोड पर ये थी, लापता हो गई थी, घर से घर जाने का पता पूछ रही थी। 2 व्यक्तियों से इन्होंने पूछा था। सर्वप्रथम योर ऑनर मानिकराम, जिनकी गजरौला बाग रोड पर पीसीओ की दुकान है, सुकन्या जी स्वयं वहां जाकर उनसे पता पूछ रहे थे। 3 दिसंबर की रात 10:30 बजे सुकन्या जी को हमने गजरौला बाग रोड पर देखा। हमारी पीसीओ की दुकान पर आई थी और वहां से अपने घर का पता पूछ रही थी। उसके बाद योर ऑनर कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद इन्होंने एक रिक्शा वाले बबलू पांडे से अपने घर का पता पूछा। हाँ साहब, चौराहे पे मिली थी ये उस रात हमें, तब हम अपने ऑटो में सो रहे थे। भाई साहब, ये फुले रोड कितनी दूर है? पासी में है, 2 मिनट की दूरी पर। आप कहे तो छोड़ दो रिक्शा में, मीटर से दे देना। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, धन्यवाद। जिस वक्त हमने उसे रास्ता दिखाया था उस वक्त तकरीबन रात के 10:40 हो रहे थे। धन्यवाद बबलू जी। योर ऑनर, मानिक राम और बबलू पांडे के कथन से ये स्पष्ट होता है कि जिस समय फूलचंद जी की हत्या हुई सुकन्या जी वहां थी नहीं, गजरौला बाग रोड पर थी, वहां से 6 किलोमीटर दूरी। तो फिर इनके नाखूनों के निशान फूलचंद के शरीर पर कैसे पाए गए? सॉरी, ये डीएनए रिपोर्ट है मिस्टर पाठक, कोई मजाक नहीं है। शुक्ला जी, अगर आपके सबूत में दम है तो मेरे साक्ष्यों को भी नकारा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन एक लड़की एक समय पर 2 जगह कैसे हो सकती है? उचित प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाएगा। किंतु योर ऑनर, जब तक इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जा रहा है, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि मेरे मुवक्किल को हिरासत में ना रखते हुए जामीन पर छोड़ा जाए। माना कि पुलिस के पास मिसेस सुकन्या गोयल के खिलाफ काफी गहरे सबूत है, मगर केडी पाठक के दोनों गवाहों की बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए ये अदालत मिसेस सुकन्या गोयल को 10,500 के एवज जमानत देती है, लेकिन तब तक आप गजरौला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जी सर। द कोर्ट इज अर्जोन फॉर टुडे। Thank you.
नमस्कार पाठक जी, रणधीर सिंह ठेकेदार। लगता है सच्चाई अपनी आंखों से देखे बगैर आपको यकीन नहीं हो रहा। आइए बैठिए। पाठक जी देखिए, ये हो रहा है सत्य का प्रचार जी। हाँ भाई, बोले कुछ। हाँ बॉस, बोल रहा है बिल्कुल पोपट की तरह। ये बोल रहे हैं कौन? साहब, साहब हमें माफ कर दो साहब। हमने अदालत में झूठी गवाही दी थी कि उस रात सुकन्या जी को हमने गजरौला बाग रोड पर देखा था। हम तो उन्हें पहली बार देख रहे हैं। ये झूठ कहने के लिए हमें अच्छे पैसे मिले। तुम लोगों को झूठी गवाही देने के लिए पैसे किसने दिए थे? ड्यूटी कलेक्टर अमरीश गोयल, सुकन्या जी के पति। पाठक जी, नई जगह पर नए नए लोगों पर नया नया विश्वास करना ठीक नहीं है। मैं पहले भी आपको सचेत कर चुका हूँ, ये दोनों पति पत्नी किसी भी जहरीले सांप बिच्छुओं से कम खतरनाक नहीं है। दोनों मिले हुए हैं। सुकन्या पहले दलवी जी के लिए काम करती थी और अब ये अमरीश गोयल के लिए काम कर रही है। इस विश्वकन्या ने अपना मालिक बदला है, अपना चोला नहीं बदला है। क्या पाठक जी, आपने भी इस शिकारी को जंगल में अकेला छोड़ रखा शिकार करने के लिए? समझ लीजिए कि अब किसी की खैर नहीं है। तुम जाओ। हाँ विदय, बोलो। सुकन्या बेटा, तू इतनी रात को? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मामा जी? सर, इतना बड़ा धोखा, अगर उसे नकली गवाही खरीदनी थी तो फिर उसने आपको क्यों बुलाया? किसी भी वकील को रख लेता। रणधीर सिंह सही है सर, यह अमरीश जितना जमीन के बाहर है उतना ही जमीन के अंदर। शायद तू ठीक कह रहा है, लेकिन यही बात मैं अमरीश के मुंह से सुनना चाहता हूँ। फोन काट दिया। काम हुआ? मैं सुकन्या के मामा बटुकनाथ के घर आ गया हूँ जी। अब उनसे ही सुकन्या और अमरीश के बारे में पता चल सकेगा। मैं फोन करता हूँ। बटुकनाथ जी, बटुकनाथ जी, बटुकनाथ जी, Thank you.
मैं वैदेही, अमरीश की दोस्त। पटुकनाथ जी को क्या हुआ है? इनको किसने मारा? यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो, आप यहाँ सुकन्या के मामा के घर क्या कर रही हैं? जी वो मैं पटुकनाथ जी से मिलने आई थी, सुकन्या के बारे में जानकारी लेने के लिए, उसकी असलियत जानने के लिए। आप इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं तो यहाँ अभी आई हूँ, मैंने इन्हें कुछ भी नहीं किया, और इनकी मौत तो जहर से हुई है, मेरे पास कोई जहर ही नहीं है। आपको कैसे पता कि इनकी मौत जहर से हुई है? जी वो बस मैंने ऐसी सोचा कि सुकन्या ने ही जान ली है अपने मामा की, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी थी, और इसलिए सुकन्या ने अपने विष से उनकी जान ले ली। What nonsense? यही सच है। आपको पता है कल रात सुकन्या इनसे यहाँ मिलने आई किस लिए? बदला लेने के लिए। आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि आपके मिस्टर पाठक ने एक विष कन्या का केस अपने हाथ में लिया है? मिस्टर पाठक अगर सुकन्या को बेल नहीं दिलाते तो आज ये आदमी यहाँ जिंदा होता। आप चाहे तो अमरीश से पूछ सकते हैं, वो खुद सुकन्या को यहाँ लेकर आया था। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर। वो जो दोनों विटनेस मैंने अदालत में बुलाए थे सर, वो दोनों विटनेस झूठे थे सर। झूठ और फरेब की अपेक्षा मुझे अपने प्रतिद्वंदियों से होती है। अमरीश मेरे अपने मुवक्किल से नहीं, आपने जो दो झूठे गवाह अदालत में प्रस्तुत किए उनके कथन के आधार पर मैंने आपकी पत्नी को जामीन दिलवाया। अमरीश जी, झूठ के पैरों पर कोई अधिक समय तक खड़ा नहीं हो सकता। मैंने निर्णय लिया है कि आपका केस छोड़कर मुंबई लौट जाऊंगा। नहीं नहीं सर, सर सर प्लीज, अमरीश ने अपनी जिंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, ना कभी रिश्वत ली ना कभी घूस दिया सर, इसीलिए तो रणधीर से दुश्मन बन गया है इसका। यदि सर जो कुछ भी हुआ है, अमरीश ने जो कुछ भी किया है सब मेरे कहने पर किया है। मैंने इससे कहा था कि मेरे पास दो ऐसे आदमी हैं जो सुकन्या के पक्ष में अदालत में गवाही दे सकते हैं, जिससे कि सुकन्या बच जाएगी। सर सारा कसूर मेरा है, अमरीश ने कुछ नहीं किया, अमरीश ने तो बस कसूर किसी का भी हो, इस बात का प्रभाव इस केस पर पड़ चुका है। अब अदालत कभी नहीं मानेगी कि सुकन्या घटनास्थल पर नहीं थी। कल रात आप और सुकन्या उनके मामा बटुकनाथ जी के यहाँ से गए? हाँ, उसी बिना पे तो फिर एक बार पुलिस ने सुकन्या को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो वहाँ सिर्फ उनसे बात करने के लिए गई थी, किसी का खून वून करने के लिए नहीं। हाँ सर, और मारती भी तो कैसे? पुलिस का कहना है कि बटुकनाथ जी की हत्या उन्हीं नाखून से हुई है। बस डीएनए रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, मुझे अचंभा नहीं होगा अगर रिपोर्ट सुकन्या से मेल खा गई तो। जो भी हो, ये आप जाने, आपका नया वकील जाने। सर झुमका तो उसी झुमके का जोड़ीदार है जो मुझे भटुकनाथ जी के घर पर मिला था। ये सुकन्या जी का झुमका है? नहीं सर, ये सुकन्या का नहीं, बल्कि ये तो मेरी माँ का झुमका है। पर ये झुमका भटुकनाथ जी के यहाँ क्या कर रहा था? प्रश्न ये नहीं है कि ये झुमका भटुकनाथ जी के यहाँ कैसे पहुंचा, प्रश्न ये है कि आपकी माता जी वहाँ क्या कर रही। माता जी, आप कल बटुकनाथ जी के घर गई थी? नहीं बेटा। आप भी झूठ बोल रही हैं। लगता है मुझे कुछ समय तक और यहां रहकर इस केस से जुड़े रहना पड़ेगा, कुछ और नहीं तो अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि विष्कन्या है या नहीं, और अगर वो है तो सुकन्या है या कोई और। मिस्टर पाठक जी, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। आपकी पहचान? वैदेही, अमरीश की दोस्त। अच्छा, वही जिनकी भेंट मेरे सहायक वरुण से हुई थी बटुकनाथ जी के घर? जी हाँ,
एक्चुअली उसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी थी, बेहद जरूरी बात। वार्तालाप तो मुझे भी आपसे करनी है, करते हैं ना अदालत में, आइए। मिस्टर केडी पाठक जो कह रहे हैं वो सच है मिलान। पिछली बार अदालत में मैंने जो दोनों गवाह बुलवाए थे, मानिकराम पीसीओ वाला और बबलू रिक्शा वाला, वो दोनों के दोनों गवाह झूठे थे। मैंने उन्हें कुछ पैसे वैसे देकर झूठी गवाही दिलवा दी थी। सच बात तो ये है मिलोट कि उस रात गजौला रोड पर मेरी बीवी सुकन्या को किसी ने देखा ही नहीं। मिस्टर अमरीश, आप एक जिम्मेदार सरकारी ऑफिसर होकर इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं? आई एम रियली सॉरी मिलोट, इसकी जो भी सजा आप देना चाहें। सजा तो आपको मिले मिलेगी मिस्टर अमरीश, लेकिन आपको उतनी नहीं जितनी आपकी पत्नी सुकन्या को। माय लॉर्ड, इन्होंने अदालत में झूठे गवाह पेश करके अपनी पत्नी को बेल पर छुड़वाया। उसके बाद इन दोनों पति पत्नी ने क्या किया? ये दोनों इनके मामा बटुकलाल के गांव गए, उनके घर गए, वहां जाके इन्होंने फिर विष कन्या का रूप धारण कर लिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, विष कन्या जैसा कुछ होता ही नहीं। एक मिनट, ये तो फिर क्यों बटुकनाथ के शरीर पर भी सुकन्या के नाखूनों के निशान मिले? क्यों इनके खरोच मिले वहां पर, जिनमें वही जहर भरा था, वो जहर जो सांप और बिच्छू में पाया जाता है? माय लॉर्ड, ये किसी साधारण औरत की बात नहीं है, ये किसी आम स्त्री की कहानी नहीं है, ये 100% विषकन्या की बात है, उसी का हमला है। मिस्टर शुक्ला, आप ये क्या कह रहे हैं? विषकन्या? ये अदालत इन बातों पर कतई भरोसा नहीं करती। लेकिन भारतीय सभ्यता को तो मानती है, इतिहास को तो मानती है। ये इसमें साफ लिखा है कि साल 340 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के राज में गुरु चाणक्य ने कुछ ऐसी विषकन्याओं को तैयार किया था जो राजाओं के दुश्मनों से बदला ले सके। उनकी खासियत थी उनके जहरीले पंजे, ऐसे पंजे जो फौरन किसी दुश्मन का नाश कर देते थे। शुक्ला जी, ये सब ऐतिहासिक किताबों की बातें हैं, इन घटनाओं के घटित होने का कोई प्रमाण नहीं। धार्मिक किताबों को तो आप प्रमाण मानेंगे ना, जिनमें विषकन्या के बारे में लिखा गया है। ये कल्कि पुराण, इसमें सिर्फ विषकन्या के बारे में लिखा ही नहीं गया, बल्कि गंधर्व चित्रग्रीवा की पत्नी, जो कि खुद एक विषकन्या थी जिसका नाम सुलोचना था, उसके बारे में विस्तार से लिखा है कि कैसे वो अपनी नजरों से सामने वाले को मार देती थी। नजरों से माय लॉर्ड, आई कॉन्टेक्ट। शुक्ला जी, मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, कुल मिला के बात यह है कि भारत का संविधान विषकन्या, तायन, नागिन इत्यादि इत्यादि इन बातों में नहीं मानता। क्या अभी अभी आप कहेंगे कि ये प्रमाण काफी नहीं है? योर ऑनर, कुछ समय पहले मैंने एक केस लड़ा था जिस पर मेरी मुवक्किल एक महिला पर नागिन होने का आरोप लगाया गया था। मैंने ये प्रमाणित किया था कि वो नागिन नहीं, ये भी प्रमाणित किया था कि किसी महिला का नागिन होने का कोई अस्तित्व नहीं, कोई प्रमाण नहीं। लेकिन विषकन्या 100% है। बड़ा आप ही बताइए कि एक औरत के नाखून में वो जहर कहां से आया जिसने बटुकनाथ को मौत दी? दुर्भाग्यवश इस समय आपके इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं, किंतु कुछ प्रश्न है जिनके द्वारा मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकता हूँ। 100% पूछिए। नहीं, आपसे नहीं, मेरी अगली गवाह से यह मिस वैदेही को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। वैदेही जी, मेरे सहयोगी ने आपको वहाँ बटुकनाथ जी के घर पर देखा था, क्या कर रही थी आप? जी, मैं बटुकनाथ जी से सुकन्या के बारे में पूछताछ करने गई थी कि क्या वो वाकई में एक विषकन्या है या नहीं। पर क्यों पूछताछ कर रही थी आप सुकन्या जी के बारे में? इस केस से क्या लेना देना है आपका? जी, मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। तो? पर हाँ, मेरा अमरीश से जरूर लेना देना है। मैं अमरीश से प्यार करती हूँ। चाहती हूँ कि सुकन्या की सच्चाई जितनी जल्द से जल्द दुनिया वालों के सामने आ जाए, उतना ही अच्छा अमरीश के लिए होगा और मेरे लिए। सुकन्या का मेरे रास्ते से हटना मेरा रास्ता साफ करता है। क्या बात है, दाद देनी चाहिए आपकी इस बहादुरी की। आभार मानते हैं हम आपका कि
बिना प्रश्न पूछे बिना किसी दबाव के आपने न केवल अपना परिचय हमें दे दिया बल्कि आपने अपनी मंशा और उद्देश्य दोनों हमें बता दिया। क्षमा क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन आपको लगता नहीं वैदेही जी कि ये जो आपने सत्य बोला है ये आपके विरुद्ध जा सकता है? क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने सुकन्या को फंसाने के लिए वो दोनों खून किए ताकि मैं अमरीश को पा सकूं। देखिए अब ये मैंने नहीं कहा, ये आपने स्वयं कहा है। देखिए मैं इतना बेझिझक सच इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है। किसी को प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। मैंने कब कहा कि प्यार करना जुर्म है, बल्कि प्रेम भाव फैलाना तो अच्छी बात है, लेकिन असफल प्यार को पाने के लिए किसी की हत्या करना ये तो जुर्म है। ऐसा होते हुए हमने देखा है, पहले अनगिनत केसेस हैं। तो सबूत पेश कीजिए ना कि मैंने ही वो दोनों कत्ल किए। दुर्भाग्यवश मिस वैदेही इस समय मेरे पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। हो सकता है उनके पास हो कोई सबूत, जो व्यक्ति वहां उपस्थित थी मेरी अगली गवाह योर ऑनर अमरीश गोयल की माताजी श्री गिरिजा गोयल। मैंने कहा ना मैं उस रात बटुकनाथ के घर पर नहीं गई थी। गिरिजा जी अगर आप बटुकनाथ जी के घर नहीं गई थी तो आपका ये झुमका बटुकनाथ जी के घर कैसे आया बताइए? क्या ये स्वयं वहाँ चल कर गया था? इसका वहाँ पाया जाना इस बात का साक्ष्य है कि आप गई थी। आप अभी भी मानने को अगर राजी नहीं है तो क्या हम उस रिक्शा वाले को बुलाएं जिनकी रिक्शा में बैठकर आप वहाँ गई थी, बुलाएं उनको? नहीं नहीं जी, मैं गई थी उस रात भटकनाथ के घर पे अमरीश और सुकन्या का पीछा करते हुए। गई क्यों थी? आपके वहां जाने का उद्देश्य क्या था बताइए? क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बहू सुकन्या मुझसे कोई राज छुपा रही है, इसलिए मैं उसकी और उसके मामा की बातें सुनने वहां चली गई। पर मैंने तो सुना ही नहीं, वो देखा जो देखकर आज तक मेरी रूह कांपती है। मैं जब चोरी छुपे पीछे के दरवाजे से उस घर में घुसी। मामा जी आपने कोर्ट में वो सब कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था। मेरे अतीत की कहानी। बेटा वैसे कोई झूठ तो कुछ नहीं बोला मैंने। अच्छा सुनिए, अब आगे से आप ऐसा कुछ मत कहिए जिससे मैं और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। मैं समझा नहीं बेटा। देखिए आप वहां पर दलवी की मौत किस तरह हुई कैसे हुई ये सब मत कहिएगा। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने। किसी को कुछ नहीं बताऊ। पक्का? हाँ बेटा पक्का, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि दलवी भाई का मौत कैसे हुआ। धन्यवाद मामा जी। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? मैंने अपने मामा जी को मार डाला? मैं एक विश करने आया हूँ। प्लीज माँ जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप ये झूठा आरोप मुझ पर क्यों लगा रही हैं? वाह वाह, अब तो घर का भेदी ही लंका ढाने लगा। सास की गवाही 100% नहीं बल्कि 200% साबित करती है कि ये विष कन्या है। योर ऑनर मिस्टर शुक्ला। ओके सॉरी, मैं इन्हें विष कन्या नहीं बोलता, बल्कि ये तो कह सकता हूँ ना कि इन्होंने अपने नाखूनों को जहर में डुबोया और उन दोनों की जान ले ली, पहले फूलचंद की उसके बाद अपने मामा बटुकनाथ की, ताकि बटुकनाथ यानी कि इनके मामा कोर्ट में वो राज ना उगल दें। लेकिन वो राज है क्या? और ये दलवी भाई की मौत का क्या क्या कहानी क्या है? सुकन्या अदालत को बताइए सच क्या है। दलवी भाई की मृत्यु का ये कौन सा राज है जो आप केवल अपने मामा तक सीमित रखना चाहती थी? वो जी सर, वो दलवी भाई की मौत मामा जी के फार्म हाउस पर हुई थी 6 महीने पहले, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी मौत
जहर की वजह से हुई थी। वो दरअसल उन्हें एक सांप ने पैर पर काट लिया था। सांप ने नहीं, तुमने मारा उन्हें। नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं जानती थी कि अगर ये बात अदालत में खुलेगी तो आप सब लोग यही मानेंगे कि मैंने ही दर्वी भाई का खून किया है। मैं एक विश कन्या थी और आज भी एक विश कन्या हूँ। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैंने मामा जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती की थी कि वो अदालत में इस बारे में किसी को कुछ ना कहे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ना मैंने दलवी भाई को मारा है और ना ही फूलचंद जी को। तो फिर तुम्हारे नाखूनों पर उनके घरों तक निशान कैसे हैं? कैसे है? बोलो कैसे? पाठक, अब तो मैंने ये जहर का 100% केस साबित कर दिया है। आप पता नहीं किस अमृत की तलाश में हैं। मिस्टर पाठक, हेलो गिरिजा जी, सुकन्या जी के वहां से जाने के बाद क्या किया आपने? मैं घबरा कर वहां से चली गई। कि आपका झुमका कब गिरा वहां पर? पता नहीं, मैं जब वहां से जा रही थी गिर गया होगा। देखिए, ये आपका झुमका वहां गिरा, ये जरा विचित्र बात लग रही है मुझे गिरिजा की। घटनास्थल पर ऐसे अचानक आपके झुमके का पाया जाना, आपके कान से ही गिरा, आपको पता ही नहीं चला। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? अरे उन्होंने एक आदमी को अपने सामने मरते हुए देखा है। अब ऐसे में उन्हें सुध-बुध कहाँ रही होगी? अब भागते हुए वहां से उनका झुमका गिरा या हार गिरा, क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर पाठक, कहीं ये इस खनोज की वजह तो आपकी हालत नहीं हुई? ये क्लियर केस ऑफ पॉइजनिंग है मिस्टर पाठक। आपके हाथ पर लगे इन खरोचों के जरिए एक हल्का सा जहर आपके शरीर में फैला है। जहर? जी हाँ, लकीली हमने जल्दी ट्रीट कर लिया वरना मुश्किल हो जाती। एंड मिस्टर पाठक, ये मैं टेबलेट्स लिख के दे रहा हूँ, इन्हें टाइम पर लेते रहिएगा। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर। और हाँ, शाम तक अगर आराम ना आए तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। जी धन्यवाद। एक्सक्यूज मी। सब क्या भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ? ये तो तेरी सोच पे निर्भर करता है कि तू क्या सोच रहा है। क्या सोच रहे थे? भारी अदालत में आपके साथ पर सुकन्या ने खरोच मारी और आज उसी खरोच में से जहर का असर। तो तेरे कहने का तात्पर्य है कि सुकन्या विषकन्या है? नहीं सब, विषकन्या नहीं। पर क्या? अदालत में आते आते कितने लोगों से हाथ मिलाया मैंने, हो सकता है उनमें से किसी ने जहर लगा दिया हो। और वो लड़की का नाम क्या है, वैदेही, उसका भी तो कुछ जुड़ाव है इस केस के साथ, उससे भी मैंने हाथ मिलाया, तो हो सकता है उसने विष लगाया। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? संभव है। फिर सुकन्या की छोड़ और इस केस से जुड़े बाकी लोगों पर ध्यान दे, हो सकता है वहां से कुछ निकला है। केडी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी माँ की गवाही पे भरोसा मत कीजिएगा प्लीज, तो शुरू से ही मेरे और सुकन्या के रिश्ते के एकदम खिलाफ है। उनका बस चलता तो मेरे और सुकन्या का रिश्ता कब का टूट जाता। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी माता जी ने जानबूझकर सुकन्या को विष कन्या कहा ताकि इस आरोप में सुकन्या को दंड मिल जाए और मुझे उससे छुटकारा मिल जाए।
कि नहीं सर, वो आपका शक था ना कि मेरी माँ अपना झुमका जानबूझ के वहाँ छोड़ाई है, वो बेबुनियाद नहीं था सर, क्योंकि वो तो चाहती हैं कि उनकी मौजूदगी वहाँ साबित हो जाए और वो खुलेआम अदालत के सामने सुकन्या के खिलाफ बयान दे सके। अमरीश जी, माना कि आपको अपनी माता जी पर संदेह है, आपकी माता जी सुकन्या को आपसे दूर करने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन कैस कैसा प्रयत्न के चलते वो फूलचंद और बटुकनाथ की। नहीं नहीं सर, ये मेरे कहने का मतलब नहीं था। मेरी माँ इस हद तक नहीं जाएगी कि मुझे सुकन्या से दूर करने के लिए वो किसी का मर्डर वर्डर खून। नहीं 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 सर। और वैद्य? सर वैद्य एकदम पागल है। मैंने उसे हजार बार कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, और पता नहीं वो अपनी जिद पर अपने प्यार पड़ी रहती है। उसको ये लगता है कि मैं एक ना एक दिन सुकन्या को छोड़कर उसके पास आ जाऊंगा, पर ये उसका भ्रम है सर, मेरा नहीं। अमरीश जी, भ्रम का वास्तविकता में बदलना कोई असंभव बात नहीं। हो सकता है वैद्य ही ने ऐसा ही किया हो, या अमरीश की माता जी ने, यह भी संभावना है। अमरीश जी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर मीटिंग सर। थैंक यू वरुण। अरे नमस्कार कलेक्टर साहब। अरे आइए, आज हमारी गाड़ी में आ जाइए, आपको घर भी छोड़ देंगे और रास्ते में कुछ बातें भी कर लेंगे। हंदीर सिंह जी, मुझे आपकी लिफ्ट की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी सरकारी गाड़ी है। अरे साहब, जो गलती आप पहले कर चुके हैं उसे आप दोबारा करना चाहते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपने पहले ही मुझसे दोस्ती का हाथ मिला लिया होता तो ना आपको फूलचंद को धमकाना पड़ता, ना वो बेचारा मारा जाता, और ना ही भाभी जी को जेल जाना पड़ता। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपने ही फूलचंद का खून किया है, और फिर मेरी बीवी सुकन्या को फंसा कर आप मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। कैसी बातें करते हैं साहब, हम तो आपके शुभ चिंतक हैं, और फिर अगर हम आपको बर्बाद करेंगे तो फिर आपको आबाद भी तो कर सकते हैं। बस एक बार आप इस साल के सारे लकड़ी के ठेके हमको दिलवा दो साहब। केडी पाठक क्या चीज है, अपनी पहुंच से हम भाभी जी को 2 दिन के भीतर जेल से बाहर ले आएंगे। रणधीर सिंह, तुम और तुम्हारी ये घटिया सोच दोनों भाड़ में जाओ। अरे क्या हुआ कलेक्टर साहब, भाभी जी को आजाद नहीं कराना चाहते? कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है? ओ कलेक्टर बाबू, बहुत ही कंफ्यूजिंग केस है सर। हम चाहे किसी पर भी उंगली उठाएं, सारी उंगलियां सुकन्या की तरफ इशारा करती हैं। उंगलियां नहीं, नाखून। इस केस में सर्वोच्च प्रश्न ये है कि अगर सुकन्या निर्दोष है तो उसके नाखून दोषी क्यों है? माँ, क्या हुआ है? माँ, क्या हुआ, क्या है? बेटा, बालों के तेल के लिए बहू की अलमारी खोली, देख वो क्या है। सुकन्या के अलमारी में जहर की बोतल? नहीं अमरीश, मुझे लगता है ये बॉटल्स किसी ने जानबूझ कर रखी है सुकन्या को फंसाने के लिए। झूठ अमरीश। बेटा मेरी बात मान, यही है तेरी पत्नी की खुफिया खुराक, और तू समझता मैं उसकी दुश्मन हूँ? अरे अभी भी वक्त है, छोड़ दे उसे। अरे छोड़ दे, भूल जा इस केस को, वरना अपनी जहर से वो तुझे भी मार डालेगी। ये बॉटल्स आपने यहाँ पहले कभी नहीं देखे? नहीं, सुकन्या की अलमारी तो हमेशा बंद रहती है। अमरीश, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई है जो सुकन्या को फंसा रहा है। वो कौन है?
ये तो तब पता चलेगा जब इन बॉटल्स की फिंगरप्रिंट जांच होगी। माय लॉर्ड, इसमें उंगलियों के नहीं बल्कि नाखूनों के निशान है। वही डीएनए टेस्ट सुकन्या। शुक्ला जी, इन्होंने बोतल पकड़ी थी लेकिन बोतल पर इनकी नाखून के निशान है, उंगलियों के निशान नहीं, ये कैसे संभव है? आप अभी भी इसी बात पर अड़े हैं कि सुकन्या बेकसूर है? अरे अब तो इसके जहर का पिटारा भी मिल गया है। इस बोतल में वही जहर है जिसे पीकर इसने अपने शरीर में विष भरा है। नहीं, मेरा यकीन करिए, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ये जहर की बोतल मेरे कमरे में कैसे आई। बस करो, मत झूठ बोलो और अपनी असलियत बता दो सबको, जहरीली और मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है बल्कि आपको केस के सहारे की जरूरत है। थोड़ी देर और हो गई होती तो मिस्टर शुक्ला को गहरी पॉइजनिंग हो जाती, उनकी जान जा सकती थी। डॉक्टर साहब, ये जहर जो था? जी हाँ, वही डेंड्रोटॉक्सिन जो किसी ने प्रोसिक्यूटर शुक्ला की खांसी की दवा में मिलाया था। मिलाया नहीं, छुआ। हाँ गड्डी साहब, याद है आपको पिछली अदालत में शुक्ला जी के हाथ से उनकी खांसी की दवाई की बोतल छूट गई थी और जाकर गिरी थी सुकन्या के पैरों के पास। फिर सुकन्या ने उस बोतल को उठाकर शुक्ला जी को वापस कर दिया था। बस वहीं उस विष्कन्या ने अपना काम दिखा दिया। महज उसके छूने भर से उस बोतल में भरी हुई दवा को उसने जहर बना दिया। ये आप क्या कह रहे हैं रणधीर सिंह जी? वही जो सच है। पर अफसोस, आप लोगों की आंखों पर तो आधुनिकता का काला चश्मा चढ़ा हुआ है जो ना इतिहास देखता है और ना पुराण। गौर कीजिए खेड़ी साहब, सबसे पहले फूलचंद के लाश पर सुकन्या के नाखूनों के निशान पाए जाते हैं और फिर उसके बाद बटुकनाथ जी की लाश पर भी वही नाखूनों के निशान मिलते हैं और फिर आपके हाथों पर सुकन्या के बनाए हुए नाखूनों के खरोंचों में जहर का फैलना और अब ये सब। जमाने से सुनते चले आ रहे हैं कि कानून अंधा होता है, पर इतना अंधा होता है आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। ठीक है, मैं चलता हूं। शुक्ला जी के साथ कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो आपको भी यही लग रहा होगा ना कि मैं विष्कन्या हूं, तो अब मेरा केस लड़ने का क्या फायदा? सुकन्या जी, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, आपका ये केस मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। अब आपके पास कोई अंतिम गवाह, कोई सबूत, कोई उपाय, कोई तरीका हो इस केस को जीतने का तो बताइए। हाँ, बस एक उपाय है। अगर मैं एक विष्कन्या हूं तो मुझ पर कितनी भी मात्रा का जहर कोई भी असर नहीं करेगा। बिच्छू या फिर सांप का काटा हुआ जहर तो बहुत कम होता है। आप मुझ पर एक मेहरबानी करिए, मुझे जहर से भरे हुए शीशे लाकर दे दीजिए। अगर उसे पीने के बाद भी मैं जिंदा रहूं तो फिर हाँ, मेरे शरीर में खून नहीं जहर दौड़ रहा है, फिर हूं मैं विष्कन्या। और अगर ये विष पीकर आपकी मृत्यु हो गई तो? प्लीज केडी सर,
आप मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दीजिए, मुझे जहर से भरी हुई शीशी लाकर दे दीजिए और फिर उसे पीकर मुझे मर जाने दीजिए। मेरी मौत ही मेरी बेगुनाही का सबूत बन सकती है। अद्भुत बात है सुकन्या जी, मांगा भी तो क्या। ये क्या है? वही जो आपने अभी अभी मांगा, भारी मात्रा में विष। पी लीजिए इसे और साबित कर दीजिए कि आप विषकन्या नहीं है। क्या हुआ सुकन्या को? बोतल पे जहर के निशान। देखो तुम वहीं उसका ख्याल रखना, मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। क्या अभी माँ सुकन्या ने जहर पी लिया, जिस बात का मुझे डर था ना वही हुआ। मैं अगर सुकन्या को कुछ हो गया ना मर जाऊंगा मैं सच्ची। ये आप अलंकरण कर रहे हैं झाड़ियों का? जी साहब मैं समझा नहीं सकता। नहीं मतलब कटन कर रहे हैं ना? नहीं समझा साहब। अरे भाई काट रहे हो, छांट रहे हो ना झाड़ियों को? ओह हाँ ऐसे बोले ना साहब। हाँ साहब काट रहे हैं। हाँ तो इसके जो कटे हुए अंश हैं वहाँ नीचे जमा क्यों कर रहे हैं? साहब ये जो कटे हुए पत्ते हैं ना इसको सुखाकर खाद बनाते साहब, इसीलिए। अच्छा तो अर्थात किसी वस्तु को काट दी जाए उसको फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। हाँ साहब। धन्यवाद कटन महोदय। सब किससे बातें कर रहा था? अमरीश का फोन आया सर, सुकन्या जेल में बेहोश हो गई है। तो उसकी चिंता मत कर, कल तक होश आ जाएगा उसे, उसकी आंखें खुल जाएंगी और बाकी सबकी भी। समय कुछ समझा नहीं? समझना तो पड़ेगा, पर कल इस केस की सुनवाई और हमारे पास केवल आज की रात है इस विषैले विषय को सुलझाने के लिए। माय लॉर्ड, आप भले ही मुझे अंधविश्वासी कहें पर मेरे लिए ये औरत ये औरत एक विष कन्या ही है। इसके छूने से मेरे खांसी की दवाई की बोतल में जहर भर गया। वो तो मेरे कुछ कर्म अच्छे हैं जो मैं बच गया, वरना अगर इसका बस चलता तो मैं 100% लुढ़क जाता। मिस्टर पाठक, आप अपने अगले विटनेस को कटघरे में बुला रहे थे? जी योर ऑनर, मिस्टर अमरीश गोयल की माता जी श्रीमती गिरजा गोयल। इजाजत है। गिरजा जी, पिछली सुनवाई में आपने कथन दिया था अदालत में कि आप अपनी बहू और बेटे का पीछा करते करते बटुकनाथ के घर पर पहुंची, जहां आपने अपनी बहू को विषकन्या का रूप लेकर अपने मामा को मारते हुए देखा, उनकी हत्या करते हुए देखा। जी। ये बताइए कि अगर ऐसा है तो आप इकलौती गवाह हैं जिन्होंने सुकन्या जी को विषकन्या के रूप में देखा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी। क्या आप जानती है कि मेरे ही दिए हुए जहर की शीशी कल लॉकअप में सुकन्या जी पी गई थी? क्या आपने सुकन्या को जहर दिया? लेकिन क्यों? केवल इतना साबित करने के लिए शुक्ला जी कि सुकन्या एक विषकन्या नहीं एक साधारण महिला है। मैं आपसे कह रहा था। प्लीज एक्सप्लेन मिस्टर पाठक। योर ऑनर, वास्तव में जो शीशी मैंने सुकन्या जी को पीने दी थी उसमें डेंड्रोटॉक्सिन या अन्य कोई विष नहीं था, सामान्य बेहोशी की दवा थी जिसे पीकर ये कुछ घंटों तक बेहोश हो जाती। आपकी इस अजीब हरकत की वजह?
क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, विचित्र परिस्थितियों में विचित्र मार्ग अपनाने पड़ते हैं उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के। जैसा कि इन पर आरोप लगाया गया है कि ये विषकन्या है, तो डेंडोट्रॉक्सिन या अन्य कोई विष अगर भारी मात्रा में भी इन्हें दी जाए, अगर ये पी लें तो उसका कोई असर नहीं होना चाहिए इन पर, किंतु जरा सी सामान्य सी बेहोशी की दवा इन पर इतना बुरा असर कर गई। इसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि इनका शरीर किसी सामान्य व्यक्ति की तरह ही है, ये विषकन्या नहीं है। माता जी, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो दवा पी उसका असर इन पर तो हुआ ही, किसी और व्यक्ति पर भी इनके दवा पीने का असर हुआ था, आपके बेटे अमरीश पर। क्या अवस्था थी अमरीश जी की जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी सुकन्या ने विष भरा बोतल पी लिया? मैंने अमरीश को इतना ज्यादा टूटा हुआ पहले कभी नहीं देखा। जब उसकी ये हालत देखी तो मुझे एहसास हुआ कि अमरीश की जान तो सुकन्या में अटकी है। उसी की जान लेने के चक्कर में पड़ी हुई थी आप, तभी तो झूठ बोला। मुझे माफ कर दो। झूठ कहा था, हाँ मैं गई थी बटुकनाथ के घर पर सुकन्या का पीछा करते हुए, पर मैंने उसे उनका खून करते हुए नहीं देखा। सुकन्या निर्दोष है, मैं इसे फंसाना चाहती थी। तो फिर वो आपका झुमका? हाँ, मैं जानबूझकर वहाँ छोड़ के आई थी ताकि आप लोग मुझ तक पहुँचे और फिर मैं अदालत में अपनी बहू सुकन्या के खिलाफ बयान दे सकूं। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। हमारे पास इस बात के सबूत है कि सुकन्या के नाखूनों ने ही फूलचंद और बटुकनाथ की जान ली है। आपकी बात और आपके सबूत दोनों सच्चे हैं शुक्ला जी, सुकन्या जी के नाखून ने ही ये जाने ली है, किंतु उन नाखून से लगी उंगलियां किसी और की थी। नाखून सुकन्या के, उंगलियां किसी और की, कैसे? योर ऑनर, सर हमने देखा है औरतें अपने नाखून लंबे कर लेती हैं, फिर उन्हें जड़ से काट देती हैं, वो नाखून डस्टबिन में फेंक देती हैं। उन नाखूनों का अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। मैं समझाता हूँ योर ऑनर, मैं विस्तार में समझाता हूँ। सुकन्या जी, क्या बताएंगी अदालत को कि कितने समय से आप, किस आयु से इतने लंबे नाखून रख रही हैं? जी, शुरू से। शुरू से ही? और क्या अक्सर प्राय ही आप अपने नाखून पूरे के पूरे काट देती हैं? नहीं, बस हल्का सा मैनिक्योर करती हूँ। जरा सोच कर बताइए, पिछली बार कब आपने अपने ये लंबे लंबे नाखून पूरे जड़ से काटे थे? हाँ, 3 महीने पहले जब मैं मामा जी के घर गई थी तब मेरा ये हाथ दरवाजे में आ गया था, जिसकी वजह से मेरी उंगली के 2 नाखून टूट गए। तब मैंने अपने इस हाथ के सारे नाखून काट दिए। तो जो नाखून टूट गए थे और बाकी के नाखून जो आपने काटे, क्या किया आपने उनका? हाँ, उस दिन मुझे मिले प्रकाश आया था, तब मैं इन कटे हुए नाखूनों को पेपर में फोल्ड करके फेंकने जा रही थी। प्रकाश रास्ते में मिल गया, उसने कहा कि वो इन्हें फेंक देगा। तो आपके नाखून कटे हुए टूटे हुए प्रकाश ले गया। अब योर ऑनर, प्रकाश ने उन नाखून के साथ क्या किया, ये मैं उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछना चाहूँगा। ये कैसी बेतु की बातें कर रहे हैं आप? जाहिर है कि वो नाखून मैंने ही फेंके होंगे। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं फेंके नहीं थे आपने प्रकाश जी, आपने वो नाखून संभाल कर रखे थे अपने पास। कैसी बातें कर रहे हैं आप ये सर, मैं भला उन नाखूनों का क्या करूँगा? नाखून संभाल कर तो रखने ही थे आपको, आपने ये जो षड्यंत्र रचा था इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे वो नाखून। उन्हीं की सहायता लेकर, उन्हीं की मदद लेकर तो आपको ये हत्याएं करनी थी और सुकन्या को फंसाना था।
अब देखिए, कल मैंने अपने सहायक वरुण को आपके घर भेजा और वरुण ने आपके घर से ये डिब्बा बरामद किया। देखिए इस डिब्बे में क्या है, नकली दस्ताना, उस पर लगे हुए असली नाखून, वो भी सुकन्या के। ना कहना कि ये नाखून सुकन्या के नहीं, क्योंकि हमने इनका डीएनए मैच करवाया है प्रकाश जी, और ये मैच हो चुके हैं सुकन्या के साथ। ये बताइए कि ये नकली दस्ताने जिस पर असली नाखून लगे हैं सुकन्या के, ये आपके घर में क्या कर रहे थे? आपके घर से बरामद हुआ है ये, आपके घर पे क्या कर रहा था? आपके अलमारी के अंदर। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे फंसा रहे हैं। मैं आपको फंसा नहीं रहा हूँ, ये आप ही के घर से बरामद हुआ है, आपके अलमारी से। ये हो ही नहीं सकता, मेरे घर से मिल ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, ये आपके घर से बरामद, मेरे सहायक वरुण ने स्वयं जाकर इन्हें वहां से ढूंढा है। मैं कह रहा हूँ सर, वो मेरे घर से मिल ही नहीं सकते, ये नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? अरे नहीं मिल सकते, क्योंकि वो नाखून तो मेरे ऑफिस के लॉकर में। ऑफिस के लॉकर में थे? ऑर्डर ऑर्डर। ऑफिस की लॉकर में थे नहीं, और ऑनर अब भी इन्हीं की ऑफिस की लॉकर में है, क्योंकि ये जो दस्ताने हैं, इन पर जो नाखून लगे हुए हैं, ये नकली हैं। मैंने यूं ही इन्हें बनवाए थे, ये सोचकर कि सुकन्या जिनका नाम लेगी उन्हें मैं कटघरे में बुलाकर यही प्रश्न पूछूंगा। दुर्भाग्यवश आपके लिए और हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें बता दिया कि आप ही ने इनके कटे हुए नाखूनों का प्रयोग किया था और उनका प्रयोग करके ये दोनों हत्याएँ की थी। अब आगे की भी बात बता देंगे अगर तो मेरा काम सरल हो जाएगा प्रकाश जी। सुकन्या को मैं बचपन से ही प्यार करता था, मन ही मन, लेकिन सुकन्या ने कभी मुझे नहीं चाहा, उसने कभी नहीं समझा मेरे प्यार को, मेरे समझना तो दूर, कभी पहचाना तक नहीं उसने कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। और उसके बाद उसने अमरीश के साथ शादी कर ली, मेरा दिल टूट गया। उसके बाद सुकन्या के लिए जितना प्यार था मेरे दिल में, सब नफरत में बदल गया। और मैंने सोच लिया कि ऐसा सबक सिखाऊंगा कि लोग मिसाल दें इस बात की। और उसके बाद जब मुझे इसके कटे हुए नाखून मिले तो केड़ी साहब, मैंने सुकन्या और विश के संबंध को लेकर एक कहानी बनाने की सोची। सुकन्या ने मुझे बताया था कि फूलचंद और अमरीश के बीच में तनाव चल रहा है, बस इसी बात का फायदा उठाया मैंने। और उस रात फूलचंद को मार डाला। और उसके बाद दो झूठे गवाहों के बिना पर सुकन्या को बेल दिलवाकर सबके जाने के बाद मैंने तुम्हारे मामा को खत्म कर दिया। ताकि तुम्हारे विषकन्या होने में किसी को संदेह ना रहे। एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये मेरे हाथों में जो विष फैला था वो कैसे हो गया? केड़ी साहब, उस दिन जब आप अमरीश के घर आए थे और मैंने आपको जाने से रोका था, तो उस दिन मेरे हाथ में कॉटन था और उस कॉटन में जहर था, डेंड्रोटॉक्सिन, जो मैंने आपको रोकने के बहाने आपके हाथ में लगा दिया। और वो मेरी खांसी की दवाई की बोतल पे। उस दिन जब मैंने सुकन्या को आपकी बोतल उठाते देखा, तो अगले दिन अदालत से पहले, ठीक पहले, मैंने आपके टेबल पर आकर आपकी बोतल बदल दी, दवा के बदले जहर। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सबका गुनहगार मैं हूं जत्सा। ये सब मैंने किया है सुकन्या से अपने नाकामयाब प्यार का बदला लेने। देखा प्रकाश जी, आपके फैलाए इस विषैले जाल ने आप ही को जकड़ लिया। ऐसा ही होता है अक्सर, क्योंकि सबसे विषैला विष, सबसे खतरनाक विष सांप, बिच्छू, बोतलों, नाखूनों में नहीं, यहां
मनुष्य के दिमाग में होता है। डिफेंस प्रेस चलाना। ये अदालत प्रकाश कुमार को फूलचंद यादव और बटुकनाथ की हत्याकांड के लिए दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और श्रीमती सुकन्या गोयल को हर आरोप में बेगुनाह पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. आ गया जाओ। Congratulations, आप ये केस जीत गए। मुझे तो लगा था कि आप ये केस हार जाए। अरे जहर होगा उसमें। मजाक कर रहा हूँ जी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.